बबली, तुमसे जो सवाल मैं करने जा रहा हूं उसका मुझे सीधा सच्चा जवाब चाहिए। क्या तुम लोगों को यह कहती फिर रही हो कि हमने छुपकर मंगनी कर ली है? मुंशी, तुम ऋषभ को अंडर एस्टिमेट करते, ना ही वो बच्चा है और ना ही वो कारोबार के किसी पहलू से बेखबर, बल्कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही समझदार। ऋषभ मल्होत्रा का नाम तो सुना होगा तुमने। मैं जब चाहूं जहां चाहूं उसे फोन कर सकती हूं। अकेला है और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का होने वाला चेयरमैन है। तुमने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया स्वेतलाना? शायद इसी हालत में लोग इंसान के खानदान को देखते हैं। कि मैंने कभी समझा ही नहीं था कि तुम इतनी लंबी हो। तुम्हारी उम्र के हिसाब से ऋषभ, तुम काफी बोल लेते हो और अच्छा भी बोलते हो। किसी भी हालत में लफ्जों की कमी नहीं होती तुम्हारे पास। मेरी हालत तुमने काफी तीखी लफ्जों में पेश की है ऋषभ, लेकिन तुम गलत कह रहे हो और गलत भी समझ रहे हो। मैंने ये कारोबार शुरू किया है क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। पैसे? तुम्हारे समाज की खोखली परंपराओं ने मेरा विश्वास न कभी था और न है। मैं मेहनत करने से शर्माती भी नहीं और डरती भी नहीं, और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो मेरी इज्जत करते हैं, ये नहीं देखकर कि मैं क्या थी बल्कि ये देखकर कि मैं क्या हूं। ये भी मेरी कमाई है ऋषभ। बाकी रही सूरज की बात, उसने कभी मेरे सामने अपने आप को साधु बनाकर पेश करने की कोशिश नहीं की। वो जो है वही है, और उसने उस वक्त मेरी मदद की जब मैं बिल्कुल अकेली थी। इसलिए वो जो है जैसा भी है मेरा दोस्त है। तुम्हारे बारे में मैंने सोचा था कि शायद मेरी हालत देखकर तुम मेरी मदद करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने अपना पूरा जोर लगाकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन मैं भी कोई ऐसी औरत नहीं हूं जिसे कोई आसानी से बर्बाद कर सके ऋषभ। मैं इस कारोबार को एक दिन कामयाब बनाऊंगी। आज छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा। याद रखना ऋषभ, ये जगह जो तुम आज दर्जी की दुकान कह रहे हो ना, कल स्वेतलाना बैनर्जी की फैशन सलोन के नाम से जानी जाएगी। ये मेरा तुमसे वादा रहा ऋषभ, एक दिन मैं अपने आप को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा कर रहूंगी जहां केशव भी मुझ पर फक्र करेगा। ओह दिस इज ग्रेट। कम से कम अपने इस मनहूस बिस्तर पे से तो खड़ी हुई हो तुम, कितनी अच्छी लग रही हो। तुम्हें बिस्तर से क्यों नफरत है ऋषभ? देविका तुम, नहीं वो एक्चुअली डजंट मैटर, मुझे अच्छा लगा। नहीं नहीं देखो, तुम जैसा समझ रही हो वैसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगा कि मेरी तुम्हारी माँ हूँ। चलो कम से कम इसी बहाने गले तो मिल लिए। अरे नहीं नहीं देखो, तुम गलत समझ रही हो। अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो शायद गले मिलने के अलावा मुझे चूम भी लेते। अरे नहीं, नहीं देखो I love this ऋषभ मल्होत्रा, वो आदमी जो कभी मुस्कुराता तक नहीं, जो अपनी भावनाओं पे इतना काबू रखता है, आज मुस्कुरा ही नहीं रहा बल्कि मिमिया रहा है बकरी की तरह। You look so sweet when you're smiling. Thank you. वैसे तुम भी आज काफी अच्छी लग रही हो ये साड़ी पहनकर। Really? तुम्हें मेरा साड़ी पहनना अच्छा लगा? हाँ well, अच्छा या बुरा तो पता नहीं, मगर हाँ अजीब जरूर लग रहा है, क्योंकि जिस औरत को मैंने बचपन से डिजाइनर क्लोथ में देखा है वो आज मेरे सामने साड़ी पहने हुए खड़ी है। राज क्या है? राज तो कुछ नहीं, तुम्हारी माँ ने मुझे ये साड़ी प्रेजेंट की थी, मैंने सोचा ट्राई कर लूं। तुम्हें पसंद नहीं है तो उतार देते हैं। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि अजीब लग रही है, यू नो। अजीब लग रही है इसका मतलब पसंद नहीं। आई जस्ट टेक इट ऑफ। बता दूं तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा अगर मैं यहीं अपने कपड़े बदल लूं? ओके नहीं नहीं मुझे अजीब क्यों लगने लगा, प्लीज गो अहेड। मैंने सोचा कि तुम्हारे सामने तो काफी औरतों ने कपड़े उतारे होंगे इसीलिए। व्हाट व्हाट यू मीन? रानी 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 उठो। सोनू
रानी, रानी उठो, उठो रानी, सोनू कहाँ है? रानी उठो, डैमिट, सोनू कहाँ है? तूने मुझ पे हाथ उठाया? सॉरी, लेकिन तुम उठ नहीं रहे थे। सोनू कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? रात के 10 बज चुके हैं और तुम्हें पता नहीं कि सोनू कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो स्कूल से घर लौटा है। लौटा नहीं और तुम इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? तू क्या सोचती है कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि मेरे को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? गली गली चप्पा चप्पा छाना उसको, उसके हर दोस्त के घर गया मैं, दूसरों को फोन भी किया, नहीं मिला। और फिर तुमने सोचा होगा कि अच्छा है दारू पी लेते हैं और उठा ली बोतल, क्यों? एक छापा मारूंगा मैं तेरे को, मैं तेरा केशव मल्होत्रा नहीं हुआ। अरे वो गया होगा कोई फिल्म देखने के लिए। कोई अपने बच्चे को इतनी रात गए फिल्म देखने के लिए भेजता है क्या? देख, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, गरीब आदमी, अपने पास वीडियो नहीं है, केबल नहीं है, और सोनू को बाबा फिल्म देखने का शौक है, तो मैं भेज देता हूँ उसको। कम से कम से पूछा होता तुमने। अगर इतना ही फिक्र है ना उसका लाने, तो यहाँ रह, उसको पाल। देख श्वेता, मैं सोनू को अपने हिसाब से पालूंगा। हाँ, अगर उसके सारे दोस्त अपने अपने घर में हैं, तो इसका मतलब है कि सोनू अकेला है। चलो मेरे साथ, हम उसे ढूंढते हैं, प्लीज रानी। वो तेरे को ढूंढना है ना, तो जाके उसे ढूंढ। रात को अकेली उसे कहाँ ढूंढती फिरूंगी रानी? तो मत ढूंढना, तू घर जा। देख, वो 1 बजे तक आ जाएगा, वो जैसे ही आएगा ना, मैं उसको बोलूंगा तेरे को फोन कर। अभी तू घर जा बाबा, मेरे को सुनने दे यार। रानी प्लीज, रानी प्लीज, तेरे को जा बोला ना मैंने, बोला जा। ये देख, 1 बजे का अलार्म लग गया, मैं 1 बजे उठूंगा। अगर वो 1 बजे तक नहीं आया होगा ना, तो मैं दोबारा जाके उसको ढूंढूंगा। लेकिन अभी तू जा मेरे को प्लीज। रॉनी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। Why don't you do something? स्वेतलाना, रिलैक्स। रिलैक्स? मुझे मीन रिलैक्स, मेरा बेटा खो गया, तुम्हारा थोड़ी। अगर उसे कुछ हो गया ना तो भाई, वो रानी से तंग आकर किसी अपने दोस्त के पास चला गया होगा, मिल जाएगा। नहीं, इससे पहले वो कभी घर छोड़कर नहीं गए। I'm scared. भाई मैं बता रहा हूँ कि उम्मीद मत, मिल जाएगा। हेलो, जी 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 हाँ, सोनू ही है। व्हाट? बस हम लोग अभी आते हैं, इसी वक्त आ रहे हैं। इसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था, फौरन चले। सोनू को कुछ हो गया, तो मुझे बताते क्यों नहीं? भाई मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगा, मेरे साथ तो चलो। घबराओ मत, मैं अंदर जाके कपड़े बदल लूंगी। अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ आकर हमें ऐसे देखे और कुछ गलत समझ बैठे। तुम अपनी माँ से इतना डरते हो? मुझे नहीं मालूम था। और मुझे नहीं पता था कि तुम गैर मर्दों के सामने इतनी आसानी से कपड़े बदल लेती। चलो अब तो पता चल गया था। अगली बार मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतारने लगूं तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होगी। देविका, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास और कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे साथ डिस्कस करने के लिए, इसलिए हमेशा कपड़े की बातें करती है। एक्चुअली तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तुम इंटरेस्ट नहीं हो, मैं क्या करूं? जैसे जैसे
बबली, मेधा, स्वेतलाना, या फिर मिलान का वो कार क्रैश, या तुम्हारा यहां अचानक टपक पड़ना, मेरी मां की चमचागिरी करना, उनके कपड़े पहनना, या मेरे मां के पैसे से मुफ्त की शराब पीना। What a pleasant surprise, beta. कैसी है माँ? बिल्कुल ठीक। You're looking very smart. Thank you. मल्होत्रा खानदान के मर्द हमेशा ही स्मार्ट होते हैं। देविका, ये बात तुम्हें जाके महेन चाचा से कहनी चाहिए या फिर ताऊजी से। मल्होत्रा खानदान के मर्दों से मेरा मतलब था तुम और तुम्हारे पिताजी। बेटा। हाँ माँ। कैसे आना हो? कैसे आना हो? भाई तुमसे मिलने आया हूँ। एक दोस्त के घर जा रहा था, सोचा पहले तुमसे मिल लूं। दोस्त के या कहीं और? लगता है आज आप मुझ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही हैं। क्या करूं, मल्होत्रा मर्द हमेशा से मेरी कमजोरी थी, didn't you know? आपकी ये कमजोरी खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए। क्या करूं, खतरों से खेलने का शौक तो बचपन से है, तुम्हें है या नहीं मालूम नहीं। अगर गैर मर्दों के सामने अपने कपड़े उतारने को तुम खतरा मोल लेना कहती हो तो शायद ये मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसी औरत को इस घर से धक्के मार कर निकालने का खतरा मैं जरूर मोल लेना चाहूंगा। वाह क्या बात है, इसी अदा पे तो हजारों लड़कियां मैं मरती हैं। He is just like your husband, Ranjana. You're a very lucky woman. तुम दोनों क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में तो बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहती हो? Shut up, देविका। माँ, मैं चलता हूँ, फिर आके मिलूँ, ओके? अच्छा बेटा, कब आओगे? जल्दी आता हूँ। और हाँ माँ, एक बात और, अपने कपड़े दान करने से पहले मुझे जरूर बता देना, ताकि अगली बार जब गले मिलो तो माँ का बहाना ना करो। Isn't that so, darling? माँ, चलता हूँ। जीते बेटा, ठीक है। देविका, केशव के साथ शायद तुम कामयाब रही हो, लेकिन ऋषभ से दूर ही रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर शानबाग आप ही हैं? जी हाँ, कहिए। मैं रहा हूँ, ये स्वेतलाना बैनर्जी है। बैठिए। हवलदार। हाँ सर। उस बच्चे को लॉकअप से लेकर आओ। ठीक है सर। लेकिन इंस्पेक्टर, आपने सोनू को अरेस्ट क्यों किया? मैडम, हमारे पुलिस वैन को सोनू रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। जब हमने उसे पूछा कि इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहा है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हमें उसे अरेस्ट करना पड़ा। बाद में लॉकअप ने उसे बताया कि वो किसका बेटा है, तब हमने आपको फोन किया। लेकिन अब हम सोनू को घर ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप इस जमानत के कागजात पर दस्तखत कीजिए और जमानत भर दीजिए, फिर आप उसे ले जा सकते हैं। ये ले जी। कितने पैसे? 500 रुपए। बेटे, बेटे तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कितनी परेशान थी तुम्हें पता? अरे हो क्या है तुम्हें, तुम्हारी आंखें लाल क्यों? स्वेतलाना, घर चलकर बात करते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। मिस्टर राव, एक मिनट, आपको ये बताना हमारा फर्ज है कि आपके सोनू के जेब में से चरस की गोलियां बरामद हुई है, इसलिए हमने उसे अरेस्ट किया है। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, ये बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। मेरी सांसों में महकी महकी सी जानी जानी सी दिल था अभी सीने में इसको चुराया जाने किसने। ये तुम क्या करो जय, प्लीज छोड़ो मुझे। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना, प्लीज छोड़ो मुझे। शर्मा क्यों रही हो, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। देखो जय, मैं शोर मचाऊंगी, प्लीज छोड़ो मुझे। ओह रियली, तब तो और भी मजा आएगा। आई लव नॉइज़, यू नो।
प्लीज जय, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ओके? प्लीज छोड़ो मुझे। मुझे लगता है बबली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। Hey man, relax. तुम तुम्हारा लड़की के साथ मजा करो, हम हमारा लड़की के साथ मजा करेगा। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, समझ जाओ बात को। Leave her alone. Hey man, what's your problem? तुम्हारा तकलीफ क्या है? ये हमारा और हमारे गर्लफ्रेंड के बीच का मामला है। Got it? और what? You want to fight? तू हमसे झगड़ा करेगा? Okay man, let's have a fight then. Come on. It's okay, Bubbly. चलो बेटा, बबली को घर छोड़ देते। खाना खा लिया सोनू ने? वो खाने से इनकार कर रहा है, तो पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देता। मुझे लगता डर गया है। डोंट वरी, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, काफी रात हो चुकी है। सुधाकर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सुधाकर, of course not. आज तक मैंने कोई चीज तुमसे छुपाई नहीं। मैंने तुम्हें कभी नजर बचाकर बात करते नहीं देखा है। बात क्या है सुधाकर? मैं चलता हूँ। राव, टेल मी, इंस्पेक्टर ने तुम्हें सोनू के बारे में क्या बताया है? तुम्हें मेरी कसम, केशव की कसम। अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, सोनू चरस लेने लग गया है। मेरा बेटा चरस ले गया। ओह गॉड, बस यही कमी बाकी रह गई थी। सुधाकर, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? किस पाप की सजा मिल रही है मुझे सुधाकर? जो होना है होकर रहेगा। ये मत भूलो, सोनू रोनी के माहौल में पल रहा है, उसका असर कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्योंकि मुझे नहीं लगता सोनू चरस का आदी हो गया है। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा, ये आदत भी छूट जाएगी। उस बच्चे को प्यार की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो सुधाकर, मैं उसे अपने पास ही रखूंगी। अच्छा तो मैं चलता हूं, कल दिन में तुम्हें फोन कर लूंगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय। बेटे, सोई नहीं अभी तक? नहीं। क्यों नींद नहीं आ रही? सोनू, क्यों नहीं तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहते, अपनी मम्मी के साथ? नहीं। क्यों बेटे? पापा का डर है। घबराओ मत बेटे, मैं उन्हें समझा दूंगी। वो मान जाएंगे तो फिर तुम मेरे साथ रहोगे? देखो सोनू, यहां तुम अकेले नहीं होगे। मैं हूं, नानी है, नेहा और निहाल भी हैं। तुम उनके साथ खेल सकोगे, स्कूल जा सकोगे। बोलो, रहोगे मेरे साथ? हाँ, पर पापा। तुम उनकी चिंता मत करो सोनू, मैं उनसे बात कर लूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं।